तो अपन ने पढ़ा रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है, सिविल राउंड। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, लीगल डैमेजेस। क्या होना चाहिए अभी आपको, डैमेजेस होने चाहिए, लीगल डैमेजेस। अब इसमें देखो, ये डैमेजेस की बात कर रहा है। आपको नहीं लगता जब आपका राइट वायलेट होता है तब आपको डैमेजेस होते है? होते या नहीं होते? तभी अपन कोर्ट में क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं। तो ये बात करते हैं लीगल डैमेजेस की। लीगल डैमेजेस मतलब राइट वायलेशन होना, ठीक है। देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट एवरी डैमेज दैट इज अ डैमेज इन द आई ऑफ लॉ, इट मस्ट बी अ डैमेज विच द लॉ रिकॉग्नाइज एज सच। इन अदर वर्ड्स, देयर शुड बी अ लीगल इंजरी इन वर्जन ऑफ द लीगल राइट्स। अब इसमें देखो दो ऑप्शन आते हैं मेरे दोस्तों। यहां पर आता है डैमेजेस, अरे वो नहीं स्टार्ट हुआ ना, सॉरी हुआ स्टार्ट, देखो चलो। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डैमेजेस, ठीक है, एक आता है आपका लीगल डैमेजेस। इसको दूसरा वर्ड भी कहते हैं, मैं बाद में बताऊंगा, पर ये कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा शॉप है, मैं कपड़े बेचता हूं रस्ते पे, चलो शो रुपए शर्ट मैं ऐसे कपड़े बेचता हूं रस्ते पे, फॉर एग्जाम्पल समझो, यहां पे मेरा शॉप है, ठीक है, मेरा शॉप का नाम है संगीता शॉप, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं कपड़े बेचता हूं। अब मेरे बाजू में ठीक है, मेरा संगीता नाम का शॉप है, ठीक है, मैं बेचता हूं, मैं एकदम सेल बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त पैसा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, दिन रात में कपड़े बेचता हूं, ठीक है, याद रख लीजिए। संगीता के बाजू में एक सुशी का शॉप आता है, नया शॉप ओपन किया सुशी का भी कपड़े बेचती, बहुत अच्छे से बेच रही है, उसका सेल बढ़ गया, मेरा सेल कम हो गया, मुझे डैमेजेस हो गया, मैं कोर्ट में जा सकता हूं क्या? क्यों नहीं जा सकता, डैमेजेस तो मुझे हुए ना, मेरा सेल डाउन हुआ ना, संगीता का सेल डाउन हुआ, सुशीला का सेल बढ़ गया, मुझे तो डैमेजेस हुआ, मेरा प्रॉफिट कम हुआ, मुझे लॉस होने लगा, इट्स माय डैमेज। तो मैं सुशीला के ऊपर क्लेम कर सकता हूं क्या कोर्ट में कि मुझे डैमेजेस हुए, मुझे पैसे चाहिए? मैं सुशीला के ऊपर केस दाखिल कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? एग्जैक्टली, हर डैमेजेस लीगल डैमेजेस नहीं हो सकते, उसका भी राइट है बिजनेस करना, तो मेरा भी राइट है बिजनेस करना। तो आप भले आपका सेम बिजनेस हो, सेम शॉप अगर ओपन करते हो, डैमेजेस उसको होते, तो इट इज नॉट कंसिडर इन द आई ऑफ लॉ के हिसाब से इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऐसे तो कितने सारे केसेस होंगे, कितने सारे शॉप से मार्केट में देखो, जूते के बाजू में जूते का शॉप होता है इमीजिएट, वो केस फाइल नहीं करता, इट इज नॉट अ डैमेजेस। अगर तुमको राइट है शॉप करना, मतलब शॉप स्टार्ट करना, बिजनेस करना, तो मुझे भी राइट है बिजनेस स्टार्ट करने का, तो मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, मेरी यहां पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैंने यहां पे बोर्ड लिखा है, यू कैन नॉट ट्रेसपास ऑन दिस लैंड, आप ट्रेसपास नहीं कर सकते, यहां से जा नहीं सकते, यहां से एक खूबसूरत लड़की बिना देखे हुए अंधी वो यहां से चली जाती है, ट्रेस पास कर देती है, मुझे वही डैमेजेस हुआ है केस में, बट इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट, तो इस केस में मैं डैमेजेस मांग सकता हूं। यहां पे आपका डैमेजेस नहीं हुआ है, बट आपका लीगल डैमेजेस तो हुआ है ना, लीगल वायलेशन तो हुआ है ना, तो ये कोर्ट ये कंसिडर करता है, कोर्ट ये कंसिडर नहीं कर सकता। तो मैं ये कह सकता हूं कि लीगल डैमेजेस इज कंसिडरेशन इन द आई ऑफ लॉ, यस। देखो तो उसको अच्छी भाषा ने, मतलब लॉ की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डैमेज, डैमनम सिन इंजोरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना सीएस में, डैमनम सिन इंजोरिया क्या होती है, इसमें डैमेजेस से होते इस इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, इंजोरिया में से इंफ्रीमेंट ऑफ राइट कॉन्फर्ड बाय लॉ ऑन द प्लेंटिफ, बट इस केस में आपका लीगल राइट वायलेट नहीं होता। ये कौन से केस में कहा था पता है क्या, पहले पढ़ लो, द मैक्सिम मीन्स दैट मैन मे हैव सफर्ड अ डैमेज एंड इट हैव नो एक्शन इन टॉट बिकॉज डैमेज इज नॉट एन इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। डैमेज इज प्रोटेक्ट नहीं करता लॉ, लॉ आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई बंदा शॉप ओपन करता है,
फॉर एग्जाम्पल मैं रिक्शा चलाता हूँ ऑटो, यहाँ पे दिन रात में ऑटो चलाता हूँ, मेरे बाजू वाले बंटी ने भी ऑटो ली, अब बंटी ने भी ऑटो ली तो मेरा बिजनेस डाउन होगा, तो मैं उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। डैमेजेस कैन नॉट कंसिडर इन द आई ऑफ लॉ, बट वायलेशन ऑफ राइट कैन बी कंसिडर इन द आई ऑफ लॉ। हाँ या ना? ओके चलो, अब नेक्स्ट क्या है? इंजुरियस इन डैमनम। इसमें इंजुरी होती है कौन सी? लीगल, बट डैमेजेस नहीं होता है। इसमें राइट वायलेट होगा बट डैमेजेस आपको नहीं होगा, स्टिल यू हैव द राइट। उसे क्या कहेंगे अपन? इंजुरियस इन डैमनम। अब दोनों में कैसे याद रखना है तो देखो, कंफ्यूजन हो सकता है। देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट का है डैमनम सिन इंजुरिया, यहाँ पे डैमेजेस हुआ है, मतलब फर्स्ट डैमनम आया है, मतलब डैमेजेस हुआ है बट लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ, इसको कंसिडर नहीं करेंगे कोर्ट में। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? इंजुरी हुई है और डैमेजेस बाद में, मतलब इंजुरी यहाँ पे है तो डैमेजेस नहीं है। जहां पे डैमेजेस नाम आएगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि डैमनम से इंजुरी क्या है, सो इट इज अ डैमेजेस विदाउट वायलेशन ऑफ राइट। जहां पे इंजुरी फर्स्ट आएगी इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट विदाउट डैमेजेस, यस और नो? ये आपको कौन से केस में कहा था पता है? अजबी वर्सेस व्हाइट एक केस लॉ है, इधर गई, यहाँ पे केस लॉ का नाम होगा शायद, हाँ ये देखो, ये केस लॉ होती है अजबी वर्सेस व्हाइट। इसमें ये दो जो मतलब जो ये कंसेप्ट है यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, अजबी वर्सेस व्हाइट, ध्यान रखना। ऐसे केसेस हो सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इफ देयर इज अ डैमेजेस बट देयर इज नो लीगल वायलेशन ऑफ राइट देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड, इट हैज टू बी लीगल वायलेशन ऑफ राइट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द डैमेजेस देन इट विल कंसिडर एज अ। ओके चलो, हाँ या ना? इसमें कुछ डाउट आपको? चलो तो अभी अपन ने आज बेसिक पढ़ा कि टॉट होता है क्या, इधर देख के ओए रिवीजन देखो, इधर से देखने की जरूरत नहीं। टॉट इज अ सिवेगोंग अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन एम। डेफिनेशन ये कहती है कि टॉट मीन्स अ सिवेगोंग विच इज नॉट एक्सक्लूसिव फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म। टॉट की मैं बात करूं इसे क्या कहते हैं? टॉटम कहते हैं, याद रखना। हाँ अन्ना, और टॉट के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, आपका जो एक्ट है वो रॉन्गफुल होना चाहिए। दूसरा डैमेजेस, डैमेजेस में कौन से डैमेजेस कंसिडर करेंगे? इंजुरियस इन डैमनम या डैमनम सिन इंजुरिया? इंजुरियस इन डैमनम ये अपन कंसिडर करते हैं, डैमनम सिन इंजुरिया में सिर्फ डैमेजेस होते हैं, इंजुरी नहीं होती लीगल वायलेशन की, ये अपन कंसिडर करते हैं। तो ये दो बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी आज, एक रॉन्गफुल एक्ट एक डैमेजेस। कल जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन रेमेडी, इसी जो चीज है इसमें तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है टॉर्ट में, रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा डैमेजेस और तीसरा रेमेडी। ये तीन चीजें के बन के क्या बनता है? रॉन्गफुल एक्ट बनता है, टॉर्ट आता है पिक्चर में, यस और नो? ठीक है, तो अपन ये कल बाकी का कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, अपन क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं।